एंड कतरी खिलाड़ी इज एन एक्सपीरियंस, द वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो हमें आगे अपनी लाइफ में कभी करने नहीं मिलेगा. और ये सब जिस एज आई सेड मेरी और अर्जुन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. लाइक यू नो मैं उनको शो शुरू होने से पहले से जानती हूँ. ऑफकोर्स यू नो रोहित सर इज अमेजिंग एज अ पर्सन. आई थिंक जब मैं जा रही थी तो मैंने हमेशा उनको टी वी पर देखा है एंड यू नो हंसी मजाक करते हुए एज अ सपोर्टर, एज अ गाइडर, एज अ मेंटर ही देयर फॉर यू. तो जानना चाहेंगे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस केप टाउन में? काफी ज्यादा एंजॉय किया आप लोगों ने, सो एक्सपीरियंस जानना. I think experience was really amazing. Current circumstances जो चल रहे थे COVID के जरिए, you know, all around the world. जब हम निकले थे तो you know Bombay was in a very tough spot. But still you know guidelines and precautions को सबको ध्यान में रख के you know we were shooting for Khatro ke Khiladi in Cape Town, another country, South Africa, and वहाँ पे भी you know situation was not that good. But yeah, I mean, you know, we were kept in a bio bubble, but still, you know, everybody is together. So I think hum subah uthte the, stunt location pe jaate the, and then come back to the hotel. But hotel mein bhi, you know, ek ghar jaisi vibe ho gayi thi ki saath mein baith ke khana khate the, you know. So in that way, I think we were lucky enough that, you know, sabka saath tha. But jab hum शूट पे होते थे व्हेन वी वर परफॉर्मिंग आवर स्टंट एंड एवरीथिंग, सो आई थिंक तब हमने थोड़ा एंजॉय किया विद यू नो ऑल द न्यू थिंग्स जो हमारे आसपास हो रहा था, यू नो. सो या दैट वाज फन. एंड सबसे अच्छा वो आप लोग जब ट्रैवल करते थे, सेट पे जाते थे, तो बस में एंजॉयमेंट होती थी, गाना गाते थे, डांस करते थे, उसके बारे में जानना चाहेंगे. तो यू नो कोविड के चलते यू नो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखी थी, जैसे हाँ वी वर गिवन अ सेपरेट बस फॉर द कंटेस्टेंट, सो एवरी मॉर्निंग ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखा. एवरी मॉर्निंग हम जब बस में घुसते थे हमारा टेम्परेचर चेक होता था, हम सैनिटाइज होते थे, हम बस में चढ़ते थे, वी यूज टू राइट डाउन आवर टेम्परेचर एंड देन फिर वी आर इन द बस. सो लोकेशन थोड़ी दूर होती थी, एक डेढ़ डेढ़ घंटे की होती थी. तो आई थिंक या आई मीन सुबह जब हम जाते थे तो मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग इट यूज टू स्टार्ट फ्रॉम आरती, अर्जुन विजलानी यूज टू प्ले सम आरतीज इन द मॉर्निंग, तो हमारा मॉर्निंग में से शुरू होता था. एंड देन फिर हम थोड़ी देर, क्योंकि हम इतने सुबह सुबह निकलते थे तो सब सोते रहते थे, फिर या तो कोई बात कर रहा होता. बट येस वो एंजॉयमेंट एक्चुअली हमारे स्टंट के बाद होता था, जब हम वापस घर जा रहे होते, तो आई थिंक तब हम गाना बजाते थे, तब हम बस में नाचते थे, तब हम हंसी मजाक करते थे. तो या दैट वो तो होता ही था ऑफ कोर्स. ओके, तो सबसे अच्छा मतलब सबसे अच्छा दोस्त कौन बना है आपका सब में से, जो हमेशा रहेगा आपका? आई थिंक सब सबके साथ एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है. बट यू नो बहुत अच्छी बॉन्डिंग अगर यू नो मैं बोलूंगी तो मेरी अर्जुन के साथ हुई है. अर्जुन मेरे पहले से दोस्त रहे, बट I think after the show वो और एक बहुत strong और बहुत thick bonding हो गई है, क्योंकि you know during the show हम इतने महीने साथ थे and you know एक support system, एक motivation, एक दोस्त, एक family, वो थे, you know वो सब में like he was there. So I think yes Arjun of course. Okay, and आपने हर एक moment को capture किया, काफी सारे photo shoots किए आपने हर moment में, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे. Of course, you know, सब चीजें हमारे लिए नई थी, एक नया देश था. So, you know, मैं जब भी बाहर घूमने जाती हूँ तो I make sure I capture every moment. And Khatro ke Khiladi is an experience, it's a once in a lifetime experience जो हमें आगे अपनी लाइफ में कभी करने नहीं मिलेगा. ये सब जो स्टंट्स हम परफॉर्म करते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं या फिर यू नो नई नई लोकेशंस होती है, ये हमें डे टू डे लाइफ में देखने नहीं मिलेंगे. सो आई थिंक ये सब मोमेंट को कैप्चर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट वी ऑल वर डूइंग. वी वर लिविंग इन द मोमेंट, वी वर एंजॉयिंग इन द मोमेंट. यस हम स्टंट्स के वक्त हम सुपर स्ट्रेस होते हैं, सुपर सुपर स्ट्रेस होते हैं, हमें कोई नहीं चाहिए रहता, हमें किसी से बात नहीं करना होता है. बट या आई मीन यू लिव फॉर दिस राइट. लाइक Like to know, एक निकी तांबोली अर्जुन आपका एक फोटो था, भाई होगा तेरा कैप्शन में लिखा था, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे. As I said, मेरी और अर्जुन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. Like, you know, मैं उनको शो शुरू होने से पहले से जानती हूँ एंड वी बीन फ्रेंड्स थ्रू द इयर्स. सो इन द शो ऑल्सो मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बॉन्डिंग, यू नो बहुत बहुत अच्छी बॉन्डिंग है. तो बस एक पिक्चर थी जिसमें मैं और निकी अर्जुन को ऐसे गाल पे पैक कर रहे हैं एंड आई थिंक
पहुंची, उसकी टी शर्ट पे लिखा था भाई होगा तेरा। Yes. तो आई थिंक उसने उठा के कैप्शन अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में डाल दिया कि भाई होगा तेरा है जीवा सना। ओके हम स्टंट्स के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका स्टंट्स परफॉर्म करने का। इट वाज नाइस, यू नो, इट वाज सारे स्टंट्स, यू नो, जब मैं गई थी तो मुझे ऐसा था कि क्या मुझसे ये हो पाएगा, क्या मुझसे ये नहीं हो पाएगा, बट आई थिंक इट्स अगर आपकी इच्छा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, इट्स लाइक दैट, यू नो। एंड या मतलब सारे स्टंट्स बहुत अच्छे से किए हैं, एटलीस्ट मैंने अपना 100% दिया है। बट या सारे स्टंट्स डिफिकल्ट थे, कुछ तो ऐसे लगे कि शायद नहीं हो पाएंगे, बट यू आर देयर फॉर दैट एक्सपीरियंस, यू नो। एंड मी आई हैव बीन अ वेरी एडवेंचरस पर्सन, मुझे हर चीज ट्राई करने का एक मौका, आई लाइक इट, सो आई थिंक मैंने वही किया। मुझे हर चीज करनी थी, मुझे ना नहीं बोलना था, तो मैंने कोशिश जरूर की है, ट्राई जरूर किया है। सो या ओके, सो रोहित शेट्टी जी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, काफी एंजॉय करते हैं वो भी शूट के वक्त, तो जाना चाहेंगे। ऑफ कोर्स, यू नो, रोहित सर इज अमेजिंग एज अ पर्सन। आई थिंक जब मैं जा रही थी तो मैंने हमेशा उनको टीवी पे देखा है, एंड यू नो हंसी मजाक करते हुए, एज अ सपोर्टर, एज अ गाइडर, एज अ मेंटर, ही इज देयर फॉर यू। तो मेरे लिए, मैं जब जा रही थी तो आई वाज रियली एक्साइटेड एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड की ओ गॉड, हाउ आई एम गोइंग टू, यू नो, नाउ आई एम गोइंग टू वर्क विद हिम, मैं उनसे मिलूंगी इन पर्सन। तो एक एक्साइटमेंट थी छोटे बच्चे की जैसी, एंड आई थिंक व्हेन आई सॉ हिम, व्हेन आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, बस जैसा सोचा था वो वैसे ही निकले। ही इज amazing as a person, he is there for you, guiding you, mentoring you, supporting you, motivating you, in every way possible, you know, so much to learn from him, unse itna kuch sikha hai, you know, what kind of person he is, like set pe, professionally, so there are lot, bahut bahut seekhne ko kuch mila hai, and yeah, hasi mazak to hoti rehti hai, and I think unhone hamare saath bhi ki hai during the show, so acha tha. ओके, सो हम जानना चाहेंगे, आपने बच्चा बोला तो अनुष्का सेन जो सबसे छोटी थी आप लोग में, उसके साथ कैसी थी आपकी बॉन्डिंग? See, Anushka, you know, when I met her and I got into this, she's 18 years old and I was like, oh God, it's meri behan ki umar ki hai. So, you know, unse bahut hi, kaise bolu, ek choti behan wali baati thi ki hame uska, you know, we have to protect her, she's our responsibility. So I think everybody, it's not me, everybody has taken care of her, but that girl is so brave, wo itni brave hai. Like, you know, she didn't want that ki aap mera khyal rakho, I'm here for my own thing, you know, so that attitude what she had, that, you know, hame lagta tha ki hum kabhi bolte the sir ji choti hai, so she like no, I'm sorry, doesn't mean that main choti hu, like, you know, she had that attitude that age is just a number, but you know, I'm here for the show, not for ki main choti hu, main ye hu, main wo, so I think that attitude she had was very nice. And yes, of course, because you know, hum bade hai and you know, she's young, to wo ek आ जाती है वो फीलिंग, यू नो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. तो या आई लिटरली टेकिंग, लाइक जब मैं उससे बात भी करती थी तो मुझे मेरी छोटी बहन की याद आती थी, तो वो एक एक बड़ी बहन छोटी बहन वाली वाइब हो गई थी उसके साथ. एंड आई थिंक या शी इज अ स्वीट गर्ल, शी इज वेरी ब्रेव, वेरी वेरी ब्रेव. एंड आशा की बात करें, एंड आपने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था, मैं पानी पानी हो गई, आशा ने रीशेयर भी किया है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे. See, Aastha is a amazing person. You know, आपने शुरुआत में ही बोला था कि इतने सारे लोगों के साथ बॉन्डिंग हो गई है, तो ये सबके साथ एक अलग बॉन्डिंग हुई है. सारे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं. जब मैं गई थी तो मैं इनमें से किसी को नहीं जानती थी, बट आज सब मेरे को मिला के सारे 12 कंटेस्टेंट आई एम गुड विथ, यू नो, दे बिकम माई फ्रेंड. सो या इट वॉज नाइस. नाश्ता से मैं थोड़ी ज्यादा क्लोज हो गई थी, हूँ, थी नहीं बोलूंगी, क्लोज हूँ. सो या आई मीन, एंड फ्रेंड्स आर देयर टू सपोर्ट ईच अदर, सो उनका गाना आया है, सो आई एम जस्ट सपोर्टिंग हर. ओके, एंड एक टास्क हुआ था जहाँ पे मतलब लड़कों को रेट किया गया था कि कितने हॉट लग रहे, मतलब अकॉर्डिंग कितने हॉट लग रहे, उसके बारे में जानना चाहेंगे. आई थिंक वो प्रोमो, आप प्रोमो की बात कर रहे हैं. यस यस यस. अब ऑफ कोर्स शो की सारी गुड लुकिंग लड़कियां बैठी थी, एंड वी वर रेटिंग कि इसको, हम बीच पे बैठे थे, एंड यू नो वी वर ट्राइंग टू कमेंट ऑन द बीच बॉडीज, नॉट ऑन एनीथिंग एल्स.
सो आई थिंक थोड़ा फनी सा ट्रेलर प्रोमो आउट हुआ है, बट यस सो वी वर सिटिंग एंड रेटिंग कि इसको कितने मार्क्स दे, इसको कितने मार्क्स दे. ओके, एंड सबसे मतलब ऐसा कौन सा मोमेंट है जो सबसे यादगार होगा जो आप कभी लाइफ में नहीं भूल पाए? आई थिंक मेरा बर्थडे ये साल जो कि मैंने खतरों के खिलाड़ी के सेट पर मनाया है, दो इट्स ऑफ सेट, मतलब इसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, बट आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैड. माई बर्थडे यू नो आई एम फार अवे फ्रॉम होम, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, बट माई रील लाइफ, रील REEL रील लाइफ के जो लोग थे वो मेरी फैमिली बन गई थी. एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, वन ऑफ द अमेजिंग मोमेंट्स आई थिंक माई बर्थडे. एंड कहा जा रहा है अर्जुन बिजलानी बहुत जल्द बिग बॉस 15 में नजर आएंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? आई डोंट नो, आई मीन आई डोंट थिंक सो, बट रियली नो कमेंट्स ऑन इट. ओके, तो आपसे जानना चाहेंगे आपका फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्ट प्लान कर रही है आप upcoming? Yes, of course. अभी खतरों के खिलाड़ी बहुत जल्दी ऑन एयर आएगा, एंड I work down south also. मैं south में भी पिक्चरें करती हूँ, तो I think मेरी एक पिक्चर अभी रिलीज होगी, maybe by month end, and then I'm starting with another film. And yes, अभी कोविड के चलते, कोविड के सर्कमस्टांसिस में काम काज इतना नहीं हो रहा था, you know, everything was shut, on and off होते जा रहा था, तो बहुत सारे projects delay हो गए. But I think now we are getting back to normal. Not normal, but normal ka end hum shuruaat kar rahe hai. Coming back to normal. Cheeze slowly, slowly open ho rahi hai. So I feel work bhi, jo projects delay ho gaye the, and I think they're starting it up. So I'm really looking forward for that. Ki kaam shuru ho jayega finally, Bombay mein bhi. And yeah, I really want to see myself doing some good web. Digital debut I've never had, and I really, really want to do some good digital stuff. I'm hoping and praying that I get that. Otherwise, yes, Khatron Ke Khiladi is on air. Film aa rahi hai, Tamil film abhi OTT platform pe launch ho jayegi. And I really want to see myself doing some good Bollywood film as well. Bas dekhte hain abhi kya aage hota hai. Lastly, any message for your fans who kaafi excited hai aapko on screen dekhne ke liye? आई थिंक मैं खुद अपने आप को एक्साइटेड हूँ देखने के लिए ये नए शो में खतरों के खिलाड़ी में, और दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ अमेजिंग शो. एंड आई थिंक ये साल से, मतलब बाकी के सालों से ये साल वाला एक सीजन बहुत डिफरेंट होने वाला है. हर 13 के 13 कंटेस्टेंट मुझे मिला के वी ऑल आर वाइब्रेंट, एनर्जेटिक, एंड यू नो लाइक इट विल बी फन, एंड आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू लव मी, सपोर्ट मी, एनकरेज मी. And yes, of course, one more thing I would like to tell everybody that please stay safe, stay home. I think if one can make the difference, it's you. Please, aap ghar pe rahiye, mask pehniye. Everybody should go out there and get vaccinated. Yeah, stay safe. Okay, thank you so much, Sana, for your time. Thank you so much. Thank you.